एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी 7 बज रहा, मैं काफ़ी पहले उठ गई थी, थोड़ी देर अपने कमरे में बैठ के फ़ोन देख रही थी, फिर थोड़ी देर बाहर आके फ़ोन देख रही थी क्योंकि ऑप्शन नहीं था। विहान और विवान दोनों सोए हैं और मैं जो है वो बीमार हो चुकी हूँ पूरी गति में। आवाज़ से तो पता चल ही रहा हो ना कि मुझे कोल्ड हुआ है। और जिस दिन पियो गए थे तो उसके बाद आने के बाद जो है शाम को मेरा गला दर्द होना स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा पियो से आने के बाद परसों। और उसके बाद ऐसा हो गया था गले में इतनी ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गई थी कि थूक भी अंदर ही जा रहा था, खाना तो दूर की बात है। तो ऐसा हो गया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है पिछले कल जब उठी तो दोनों नाक बंद हो गए थे, तो फिर बहुत गंदे तरीके से कोल्ड हुआ है। और अब देखते हैं, दवाई तो खाया है बट उससे कोई असर नहीं हो रहा। पिछले कल मैं 2 बार खाई दवाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो है बीच में सर्दी लग रही है, बीच में गर्मी लग रही है, कभी पसीना आ रहा है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो इस तरीके से हो रहा है। और सोचा व्लॉग बना ही लेती हूँ क्योंकि जब कुछ आप करते हो तो आपका शरीर चुस्ता रहता है, और आप कुछ भी ना करो तो फिर पूरा शरीर ऐसे सुस्त सुस्ता पड़ जाता है और बीमार ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैं थोड़ी देर में नहाऊँगी क्योंकि मेरे को हमेशा नहाने से जो है वो मतलब अच्छा फील होता है। तो चाहे मेरे को बुखार हो, चाहे मुझे जुकाम हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मैं नहाती तो हूँ, तो नहाऊँगी थोड़ी देर में। बाकी देखते हैं, होप्सो कि आज का व्लॉग बन जाए, कंप्लीट हो। अभी टाइम की बात करूँ तो 9:30 का टाइम हो रहा है और फिलहाल जो है बीमार तो थी पर क्या करूँ, साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी शॉप पे आके। तो बस थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, बैक कैमरा करके दिखाऊंगी अभी। और हालत ख़राब होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी ना जो उठाई नहीं जाती, जैसा फ्रिज हो गया, अब ये बैठने के लिए जो ये और दाल के डब्बे जो है जो दाल रखने के लिए बनाए हुए वो सब कुछ तो उठाना मुश्किल होता है। तो उसके जब बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था तो सारा साफ़ किया, सामान वगैरह लगा दिया, और थोड़े बहुत सामान जो है वो लाने को रखे। तो मे भी शायद दीपक आज जाएंगे सामान लाने के लिए। तो अभी दिखाती हूँ कि मैंने पूरा शॉप जो है वो मतलब इधर उधर कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, सेटिंग चेंज कर दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने पूरा शॉप की सेटिंग चेंज कर दी है। ये जो दाल वाले ये बॉक्स था वो यहाँ पर था और ये उधर को था, तो इसको मैंने पूरा चेंज कर दिया। और बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा गैप हो गया, अच्छा लग रहा है खुला खुला सा। दाल के कंटर वहाँ ले गई हूँ क्योंकि ना विवान ने क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ। दाल जो है ना आपस में मिक्स कर दिया, इसमें इतना क्लियर दिख नहीं रहा, आपस में मिक्स कर दिया, बिल्कुल उभार में डाला हुआ अंदर, तो इस तरीके से कर दिया। तो फिर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं वहाँ बैठूँगी तो वहीं साथ में नहीं खेल पाएगा इसलिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई वो लाने की, इस वाले साइड में ले आए थे दीपक पिछले बार, थोड़ा बहुत लगाने का है अंदर रखा स्टोर में, पर हिम्मत नहीं है बीमार हूँ इसलिए। बाकी वैसे तो बड़ा बड़ा सा ही है इधर को, सिर्फ थोड़ा यहाँ से सामान खाली हो गए, तो पानी वगैरह ख़त्म हो गए, तो वो सब कुछ चीज़ें दीपक लेके आएंगे। और अब चलती हूँ मैं घर की तरफ को क्योंकि जाके ब्रेकफास्ट भी बनाना है। 9:30 हो गया, 9:30 बजे मैं घर की तरफ को जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो नो ना, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे घर। अभी पहुँच गई मैं किचन में और अब बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और आज ना मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ऐसे लग रही है, जब मम्मी पापा होते थे तो इस टाइम पर जैसे मुझे कोल्ड हुआ था ना, तो जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, मैगी बना के देना, हर एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा केयर करना। तो अब वो टाइम नहीं रहा, मतलब कि अब खुद को अपनी केयर करनी पड़ती है और खुद को अपने बच्चों को तैयार करके भेजना पड़ता है। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि एक टाइम अपना भी था जब अपने माँ बाप हमारी केयर करते थे, मतलब बीमार होते टाइम, और एक ऐसा टाइम है जब हमें बीमार होते हुए भी अपने बच्चों को देखना पड़ रहा है, स्कूल भेजना पड़ रहा है, उनके लिए लंच बनाना पड़ रहा है, घर में दूसरे बच्चों को देखना पड़ रहा है, घर वालों को देखना पड़ रहा है, तो ना बहुत चीज़ें फील होती है। तो ये है कि आज थोड़े से सुबह सुबह ही मम्मी पापा की याद आ रही है, बुरा लग रहा है सोच के। बाकी खैर, अपना जिस टाइम पे आप जी रहे हो उस टाइम को खुल के जियो, मेरा मानना ये है कि क्योंकि जब बचपना था तब बड़े होने की होड़ थी, और जब बड़े हुए तो फिर लगा कि शादी करें, सब शादी करनी चाहिए। जब शादी किया तो लगता है कि बचपन ही ठीक था, क्योंकि जब आप घर गृहस्थी में फंस जाते हो ना तो आपको लगता है कि बचपन ही ठीक था, ना किसी चीज़ की टेंशन थी ना कुछ था। तो आज वो चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज तो ऐसे फील हो रही है कि काश मैं बचपन में ही होती तो अच्छा रहता। तो ये कि जब जिस टाइम पे हो उस टाइम को खुल के जियो, इन्जॉय करो, बड़े होने की होड़ मत करो क्योंकि बचपन तुम्हारा नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा अंदर से फील हो रहा था, तो फिर थोड़ा सा इमोशनल सा हो जाता ना कि हाँ, क्योंकि बीमारी के टाइम में सबसे ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो ये बाकी थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, अपने घर वालों को भी मन करा घर जाऊँ बट पॉसिबल नहीं है अभी, दिखते हैं मैं भी कुछ टाइम बाद घर चली जाती हूँ या जाती हूँ नहीं जाती क्या होता है। बाकी फिलहाल ब्रेकफास्ट में लेते हैं, बहुत बातें कर लिया, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फिलहाल आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, और आज मैंने विहान को ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट क्या लंच में दिया है 2 चपाती, बटर लगा दिया है,
क्योंकि ये अभी पर ही रखा हुआ था, तो फिर मैंने उस बटर लगा देते क्योंकि उसको बटर वैसे ही पसंद है। बाकी यहाँ पे मैंने कोफ्ते डाल दिए, इसमें बटर लगा दिया, यहाँ सेमिया है और यहाँ पे जो सेब है खट्टे वाले सेब जो है वो हो जाते हैं टाइमली, तो इसमें नमक डाल दिया क्योंकि उसको नमक खाना बहुत पसंद है। और प्लस भाई साहब तैयार। हाँ जी अच्छा, मेरा पार्सल तो भाई साहब को पार्सल की पड़ी हुई है, तो फटाफट से इसको पैक कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधे शॉप पे। एवरीवन कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो मैं आज तारीख बता देती हूँ, आज है 8 तारीख। और टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, और लास्ट व्लॉग मैंने 4 तारीख को शूट किया था। 3 तारीख को मैंने लास्ट व्लॉग डाला था और फिर 4 तारीख को व्लॉग शूट किया था कि डालूंगी, बट जब वापस किचन में गई उसके बाद बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही थी। और उसके बाद जो है मम्मी आ गए थे, मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, उन्होंने खाना वगैरह बनाया। उसके बाद मैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रेस्ट करने चली गई थी कमरे में, तब जाके थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा था बट गला बंद हो गया था तो व्लॉग शूट नहीं कर सकती थी। तो उस दिन से लेकर 4 तारीख से आज 8 तारीख हो गया, तो उस दिन से मैं अभी तक बीमारी ही चल रही हूँ अभी तक भी। तो ये बाकी अब मैं सोच रही हूँ डाल दूँ व्लॉग और बनाऊँ, क्योंकि बहुत बहुत गैप हो रहा है मेरे व्लॉग में, पता नहीं क्यों। कोशिश कर मतलब सोचती हूँ व्लॉग बनाने के लिए बट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या है। तो ये बाकी अभी तो मुझे जाना है घर की तरफ को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। बाकी थोड़ा सा भी जुकाम भी है और गला भी बंद ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है ऐसा नहीं, पिछले कल तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, बहुत ज़्यादा दूर थी, छाती जाम हो चुका है बेसिकली मेरा, तो वो किस वजह से मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं गए तो हम 2 जन थे, हमने जो खाया सेम चीज़ें खाई, पर मैं बीमार हो गई और वो ठीक है अभी दिया, तो पता नहीं क्या है। बाकी चलते हैं अभी घर की तरफ को और देखते हैं आज दिन भर क्या रहेगा। तो आज आप लोग साथ व्लॉग शेयर करेंगे। बाकी मेरी स्मूदनिंग की ऐसी कम तैसी हो गई है, यहाँ भूरे बाल नई ग्रोथ हो गई है मेरी, तो ये बाकी चलते हैं। बहुत मक्खियाँ हो गई, बहुत दुकान में इतनी मक्खियाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं भी घर जा रही हूँ। कब तक कि ऐसे ऐसे करके मक्खी भगाऊंगी, घर चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे घर पे। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम की बात करो तो दिन के 1:30 बज रहे हैं और आप मेरे हाल देख सकते हो, बिल्कुल ही हाथ मुँह कुछ धोया क्योंकि अभी तक जो है ना सुबह ब्रेकफास्ट खाया, उसके बाद से मेहमान आए थे घर पे तो उनके साथ बिजी थी, फिर साफ़ सफाई की, अब जाके अपने कमरे में चादर चेंज करी थी, तो ये सब कुछ किया। गर्मी लग रही है, सर में दर्द हो रही है हद से ज़्यादा, और उसी के साथ जो है ऐसा लग रहा है सारे कपड़े चिपचिपे से हो गए, चिपक रहे शरीर में, बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा क्लोल हो गया कि मैंने जो भी मेरे पास कपड़े हैं सारे मोटे घर में डालने वाले, तो मैंने कुर्ते ऑर्डर किए थे, पता नहीं वो कैसे, मतलब साइज़ तो वही मंगाया था जो मैं डेली अब मंगाती हूँ, तो वो साइज़ भी मुझे टाइट आ गया एकदम से पेट के पास, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को बीमार हो रही हूँ ना कपड़े आ रहे, तो फिर अब बस कुछ ऑप्शन नहीं है ये मतलब कि खुले खुले कपड़े पहनने का मन कर रहा था कि थोड़ी सी हवा आए, थोड़ा सा सर दर्द कम हो, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है क्योंकि कुछ भी काम करती हूँ तो नीचे झुकती हूँ तो सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये अभी बाकी फिलहाल अब जाती हूँ, नहाऊँगी तो नहीं मुँह हाथ धोऊँगी क्योंकि पिछली बार नहाई थी, शर्म में भी इस वजह से ज़्यादा हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो एक बार जाके मुँह हाथ धो लेती हूँ और फिर ऐसे कंफर्टेबल जैसा कुछ पहनूंगी खुला खुला सा, ताकि थोड़ी सा गर्मी ना लगे क्योंकि ये सूट भी बहुत मोटा है, तो मेरे सारे कपड़े ही मोटे हैं, पता नहीं क्या मैं क्या सोच के ये मतलब मोटे कपड़े बनवाए होंगे, मुझे भी सिर्फ ऐसी फीलिंग आ रही है। बाकी अभी जाते हैं, खाना बना चुकी हूँ, अब खाना खाना ही है, एक बार मुँह हाथ धो लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। हाँ, एक और चीज़, मेरे बच्चों के होते हुए ना कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, वहाँ देख सकते हो वॉल स्टिकर जो मैं चिपकाया था वो निकाल दिया और यहाँ से भी एक निकाल दिया, तो ऐसे ऐसे काम मेरे बच्चे बहुत करते ही रहते हैं। तो ये अभी मैंने चादर वगैरह लगा दी है, अभी यहाँ पे जो है वो ये चादर निकाल के सारे नीचे फेंके, अभी इसको साफ करती हूँ, समेटती हूँ, झाड़ू झाड़ू मारती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में। 2000 years later तो फिलहाल विहान है, यहाँ विवान चला गया मम्मी के साथ नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो राजमा है वो इतने बड़े बड़े हो गए, यहाँ पे इसमें पानी लग रहा है, तो मम्मी पानी बदलने के लिए गए हैं, पाइप से पानी लगा रहे हैं यहाँ पे। बाकी हाँ, आज घास कटाई हुई है इधर उधर से, तो ये बाकी शाम का व्यू जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके। हाँ ना बेटा, बीमार है, हाँ मत जाना, रहने दो, क्यों जाना, ऐसे फालतू में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी आपके साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर करूंगी जिसमें ना मैंने विहान को ना काम कराया था, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए मना कर रहा था, तो मैंने बोला तुझे सारे घर का काम कर ले, मैं चली जाऊंगी स्कूल, तो उसने क्या क्या काम किया मैं आपको साइड में अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, देखना विहान की शरारतें
ये बहुत चालू है, इसने बोला मैं सारा घर का काम करूँगा, आप जाना मेरे बदला स्कूल, है ना। और आपने सारा काम किया ना, घर का बर्तन भी धोए। मैं क्यों करूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ ना, या आप स्कूल जाओ मैं घर का काम करूँगी, या आप घर का काम करो मैं स्कूल जाऊंगी। जल्दी बताओ कौन सा काम चाहिए आपको, घर का काम चाहिए कि स्कूल जाना है। करो फिर तो आप हटने उतरो। कोई बात नहीं, मैं हट जाऊंगी, आप लगा लो।